प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं सुंदर से शाम के लिए। पिता परमेश्वर आपने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। इस मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर आज आपने हमें संभाला, ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें सुबह से संभाल कर रखा पिता परमेश्वर, रात्रि के समय पिता एक अच्छा मौका दिया प्रार्थना करने के लिए। हम लोग आपके चरणों पर आकर के उपस्थिति होकर के प्रार्थना और विनती करते हैं पिता। आज हमारे हर एक मनोरथों को पूरा कर पिता, आप हमें आशीष दे पिता परमेश्वर। आज आपको इस आशीष देने जा रहा, आज आपके हर बिगड़े काम बनेंगे। आज आप दुख में हैं तो परमेश्वर को याद करो, प्रार्थना करो, विनती करो और मुस्कुराते रहो कि परमेश्वर आपके साथ है। हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना होगा। परमेश्वर हमारे आज साथ है, क्या आप परमेश्वर को दुख में भी याद करते हैं या खुशियों में भी याद करते हैं? परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मुझको हर समय हर घड़ी मुझे याद करता है, मुझसे प्रार्थना और विनती करता है, उसके जीवन में कभी दुख और ब्लेस किसी प्रकार की समस्या लाइफ में जीवन में हमेशा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। आज परमेश्वर, आज यीशु आपको ब्लेस करने जा रहा है, आज आशीष की वर्षा होगी। बने रहें प्रार्थना में, लास्ट तक बनते रहें और बने रहेंगे जब प्रार्थना में, तो आपको आज बहुत सारी गवाहियां मिलेंगी। आप लौट करके आएंगे, अपनी गवाहियों को देंगे। परमेश्वर के वचन को लेकर के जब हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं तो परमेश्वर हमारे हर एक भावनाओं को लेकर के हमारी हर एक बुराइयों को खत्म करता है। हमारे एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत को देखने वाला परमेश्वर यहोवा है, वो हमारा उद्धार करने वाला है, वही हमें जीवन और सांस देने वाला परमेश्वर, इसीलिए उससे विनती और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो परमेश्वर हमें ज्ञान देता है, बुद्धि देता है। आज आपके हर रुके काम पड़े बनने जा रहे, मसीह के नाम से हर एक समस्या जो आपके लाइफ में जीवन में हर वो पूरा करने जा रहा पिता परमेश्वर। जब परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, एक विधवा के बेटे को जिला सकता है, एक मरे हुए लकवे को ठीक कर सकता है, मरे हुए रोगियों को जिला सकता है, बहुत सारे बीमार लोग हैं, बहुत सारे मरे हुए लोग थे उनको प्रभु मसीह ने जिंदा किया, एक लकवे के रोगी को ठीक कर सकता है, तो क्या आज आपके दुख और तकलीफ को, मुसीबत परमेश्वर दूर नहीं कर सकता है, दूर कर सकता है? प्रार्थना विश्वास के साथ करिए, ग्रहण करिए कि परमेश्वर ने किस तरीके हमको आशीष दी, किस तरीके हमारे बेटे और बेटियों को आशीष दी है, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया है। हमारे हर पल हर समय हर घड़ी हमारी रक्षा और संकट में हमारा छुटकारा देने वाला ये हुआ हमारे साथ है, जो हमारा परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है, दाऊद का परमेश्वर है, जिसने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया। किस तरीके से परमेश्वर ने समझाया, किस तरीके से मूसा ने मूसा के वचनों के द्वारा हम समझते हैं। आज हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख और संकट और क्लेश है तो हमें प्रार्थना और विनती करने की जरूरत है। विश्वास करिए आज आपके वंश को परमेश्वर बहुत ऊंचा करने जा रहा है, आपके हर एक मसीह भाई बहन को बहुत ऊंचा करने जा रहा है, क्योंकि यहोवा ने कहा है कि जो मेरे वचन पे चलेगा, जो विश्वास करेगा, उसके हर एक कार्य होंगे, हर एक कार्य पूरे होंगे। लेकिन विश्वास करिए कि परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आज आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज आपके घर में जो भी दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, उसको लेकर के प्रार्थना और दुआ करिए। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आज आपके साथ खड़ा है, वो हर पल हर समय हर घड़ी आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको ज्ञान देगा, हर समय आपको संभालने वाला आपका परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं संकट के दिन तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे हर एक दुख और तकलीफ में तुझे आजाद करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसको हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हम पे करुणा, हम पे भला और दया हम पर करता रहता है, इसीलिए उसको हम धन्यवाद करते हैं। पिता आज आपने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की रक्षा की पिता, उनके प्राणों की रक्षा की पिता, उनको संकट और दुख और मुसीबत से बचा कर रख पिता परमेश्वर। सुंदर से शाम के लिए मैं ही दुआ करते, यही प्रार्थना करते, उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर, उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं, आपकी प्रजा है पिता परमेश्वर, आपकी संतान है पिता परमेश्वर, उनके हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर यहोवा है। जो भी उनके जीवन में दुख है, मुसीबत है, उससे बाहर निकाल पिता परमेश्वर, अपने हाथ को उन पर आशीष दे पिता परमेश्वर, अपने हाथों को पिता उनको रख उनके ऊपर, उनको आशीष कर, उसको ब्लेस कर पिता परमेश्वर। ब्लेस की प्रार्थना, आशीष की प्रार्थना है मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घरों में जो भी घटी और कमी है उसको पूरा करने वाले पिता, आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आज उनको आशीष दे यीशु, आज उनको हर घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, यही हम दुआ करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक बिखड़े कामों को आज आशीष देने जा रहे हैं, हर एक मन टूटे वाले के यीशु मसीह के नाम से आज उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, जो अपना मन तोड़ चुके हैं पिता परमेश्वर, जो इस समय डिप्रेशन में है, चिंताएं में है, दुख में है परमेश्वर, आज उन्हें आजाद कर परमेश्वर। आज आपको
रिलीज करेगा, आशीष देगा आपको, हर एक घटी और कमी से पूरा करने वाला परमेश्वर आज आपके साथ खड़ा है। आपके बेटे और बेटियों को आशीष देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। आप विश्वास करिए कि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, इसीलिए मुझे किसी चीज की घटी और कमी ना होगी, क्योंकि जो परमेश्वर मुझे आशीष देता है पवित्र आत्मा के द्वारा भरना चाहते हैं। तो प्रार्थना करिए, मांगिए, हे पिता परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दे, पिता परमेश्वर मुझे अभिषेक कर मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, मेरे हर एक पापों को मिटा दे परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो सब कुछ बनाने वाले परमेश्वर है, धरती आकाश और पृथ्वी जो कुछ है उसमें परमेश्वर सब आपकी हाथों की रचना है पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे हर एक परिवार में पिता परमेश्वर सदस्यों को आशीष दे पिता परमेश्वर, चाहे वो दो नौकरी की हो चाहे परिवार में समस्या है, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आज आपको नौकरी के ब्लेस करेगा, आशीष देगा परमेश्वर आपको, बहुत सारी दुख और तकलीफों से बचाने वाला परमेश्वर आपके साथ है, कर्जों से मुक्त करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। आप जहां भी है किसी भी स्थान में परमेश्वर वहां आपको आशीष देगा। आपके घर में जो भी बेटे और बेटियां हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उसको अभिषेक कर मेरे खुदावन। आप तो हर एक मसीह भाई बहन को संभालने वाले परमेश्वर है आप यहोवा हैं, उनकी हर एक मनोकामना को पूरे करने वाले परमेश्वर आप हैं, जो उनके मन में है पिता परमेश्वर उसको देखने वाले परमेश्वर है। इसीलिए पिता परमेश्वर आपने लाल समुद्र को पिता परमेश्वर दो भागों में कर दिया था, जानता हूँ पिता आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो धरती आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले पिता परमेश्वर आप हैं। आपकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। आज हर एक मसीह भाई बहन विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, प्लीज कर उसको उसको परमेश्वर उसकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने कहा है कि मैं तेरा यहोवा छुड़ाने वाला हूँ, तुझे कभी किसी शत्रु के हाथ में नहीं सौंपूंगा, मैं तुझे अपनों हाथों हाथ उठा लूंगा, जो चाहे दुख में हो, संकट में, महामारी में, क्लेश में, बहुत सारी घबराया हुआ है, डरा हुआ है बहुत सारी बीमारियों से, लेकिन फिर भी हमारा यहोवा हम पर हाथ रखता है, अपना आशीष देता है, आनंदित जीवन देता है, अनादिकाल तक परमेश्वर हमें संभाल कर रखेगा, अनंत काल तक परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे, उसकी प्रजा है हम, उसके बेटे और बेटियां हैं। यह की स्तुति करो क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है क्योंकि वो हम पर दया करता है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। आज इस प्रार्थना के द्वारा आज अभिषेक होंगे, आज पवित्र आत्मा के द्वारा आज आप परमेश्वर आपको अभिषेक करने जा रहा है, आपको हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है, हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी कंट्री में, किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में, किसी भी गांव में आप इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर आज आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। सत्य है वो परमेश्वर जिसने उस पर विश्वास और भरोसा रखा, परमेश्वर ने उसको बहुत ब्लेस किया, उसको बहुत ऊंचाइयों तक ले गया, क्योंकि आज आपके संकट है आपके जीवन में, आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रजा को कभी नहीं छोड़ता है, न अपने बेटे और बेटियों को कभी छोड़ता है। जैसे एक पिता एक माँ होते हैं संसारी, अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ते, उसी तरीके हमारा परमेश्वर जो हमें सृष्टि करता, उद्धार करता, जीवन और श्वास देने वाला परमेश्वर है, तो वो हमें कैसे छोड़ सकता है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, एक माँ जो दूध पीते हुए बच्चों को छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने अपने हाथों में तेरी हथेली में, अपने हाथों में, यानी परमेश्वर कहता है कि अपनी हथेली मैंने तेरी तस्वीर को खोद करके बनाया है, इसीलिए परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। विश्वास करिए परमेश्वर के वचन के द्वारा प्लेस होंगे आप, आशीषित होंगे आप, हर घटी और कमी को आपको पूरा करने वाला परमेश्वर आपके सामने। इसीलिए पवित्र जन को जब हारून के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई थी, बहुत सारी दिक्कत आई थी, लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके उसको अभिषेक किया, और बहुत सारी मसीह भाई बहन दानियल के विषय में परमेश्वर ने किस तरीके उसको आशीष दी। आज आपके जीवन में हर एक परमेश्वर हर एक कामों में आशीष देने जा रहा है, हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, चाहे वो बीमारी हो, बहुत सारी समस्या हो, जैसे पथरी किसी मसीह भाई बहन के जीवन में हो जाती है, उसको ब्लेस करेगा, उस हाथ जहाँ पे पथरी है वहाँ पे हाथ रखे परमेश्वर के नाम से, कहें पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जाए परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिनके मसीह भाई बहन के ब्लड में, जिनके मसीह भाई बहन के जीवन में पिता परमेश्वर, जिनके बॉडी में पिता परमेश्वर बहुत ब्लड कमी आ चुकी, खून की कमी आ चुकी, पिता परमेश्वर कहे पिता परमेश्वर कि आप तो जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर हैं, तो ये छोटी सी कमियां क्यों नहीं दूर हो सकते पिता। आज प्लेस करिए, आशीष करिए परमेश्वर उनको, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की रक्षा और सुरक्षा कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, जिनकी स्किन में प्रॉब्लम आ चुकी पिता परमेश्वर, आज हम हर एक बीमारियों के लिए, हर एक दुख के लिए, तकलीफ के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज यीशु आप सबको आशीष दें पिता परमेश्वर,
आप आशीष देने आए हैं पिता परमेश्वर, सब आप ज्योति हैं पिता परमेश्वर, सब आप पिता परमेश्वर, हर एक मसीह भाई बहन हम परमेश्वर परमेश्वर की ज्योति हैं पिता परमेश्वर, हम आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, हम विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर आपके वचन पिता परमेश्वर, हम आपके वचनों के द्वारा प्रार्थना और विनती करते हैं पिता, हमें आशीष दे पिता परमेश्वर। जब आपने पिता परमेश्वर बहुतों को आशीष देते हैं, बहुतों को ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं, ताकत देते हैं, उन्हें हर चीज से पिता परमेश्वर परिपूर्ण करते हैं और परमेश्वर उन्हें ज्ञान देने वाले परमेश्वर आप हैं। आज हमारे हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में जो क्रोध है उनके जीवन में, जलन है, डाह है पिता परमेश्वर, ईर्ष्या है, दुख है, तकलीफ है, चिंता है, डिप्रेशन है, कुछ भी है, यीशु मसीह के नाम से जाए परमेश्वर। आप उनको ब्लेस करें, उनको आशीष करें, उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। आज आप विश्वास रखिए आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा परमेश्वर, आपको आशीष देने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारा यहोवा छुड़ाने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। जितने ने उस पर विश्वास किया, भरोसा रखा, परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा और कभी किसी हालात में, कभी दुख में, तकलीफ में परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। इसलिए विश्वास करिए, आज अगर दुख में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है या फिर अच्छे भी हैं, तो फिर कि वचन को विश्वास के साथ ग्रहण करिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपके हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसीलिए विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर की प्रार्थना को, आज आप विश्वास के द्वारा, आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनिए और प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान के द्वारा प्रार्थना किए जाते हैं। आज आपको ब्लेस करेगा, आपके हर एक घटी और कमी में पूरा करने वाला परमेश्वर आप है। इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर ने जो भी मसीह भाई बहन को चुना था, और शाम के लिए जो मसीह भाई बहन ने चुना है, उसके लिए दुआ करते, प्रार्थना करते। जो लोग सुबह पहर प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। जो शाम के प्रार्थना करते हैं पिता, उनके हर एक मन को पिता परमेश्वर देखने वाले पिता परमेश्वर हैं। इसीलिए परमेश्वर आपको चंगा करने आया है, आपको परमेश्वर आशीष देने आया है, आपको ब्लेस करने आया है। विश्वास करिए, रिसीव करिए परमेश्वर की प्रार्थना को। आज आपके हर दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर भस्म करने आया है, जलाने आया है। जो लोग परेशान हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर मेरे परमेश्वर यहोवा, उनके वंश को बचा पिता परमेश्वर, उनके परिवार को बचा पिता परमेश्वर, उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की लज्जता वाली बात आती है, यीशु मसीह के नाम से आज उनको पिता परमेश्वर ठीक रख परमेश्वर, उनको अच्छा कर पिता परमेश्वर। जो इधर उधर भटक गए हैं आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, वो आकर के एकत्रित होकर के प्रार्थना करें, विनती करें पिता परमेश्वर। और जो आपकी प्रार्थना आती है परमेश्वर के वचन को लेकर के, कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे मसीह के लिए, हमारे भाई के लिए, हमारे जो भी मसीह भाई बहन अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, मोबाइल नंबर दिया गया है, अपने मोबाइल नंबर से जा करके वहाँ पर आप प्रार्थना रिक्वेस्ट केवल भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको जा करके आप अपने नंबर को देख सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा, आपको हर एक घटी और कमी से पूरा करने वाला परमेश्वर है। आप अपने वेबसाइट पर जा करके आप देख सकते हैं, वहां पर आप भेज सकते हैं अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को। वो वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, आप जा करके देख सकते हैं। जो मसीह भाई बहन अपनी प्रार्थना को भेजते हैं, रिक्वेस्ट को भेजते हैं पिता परमेश्वर, उसके जीवन को पिता परमेश्वर ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। जो अपनी प्रार्थना को भेजना चाहते हैं, पर्सनल प्रार्थना को भेजना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उनकी प्रार्थना हम तक पहुँचे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता। आज हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। इसीलिए पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आप हमें दुख और तकलीफों से बचाने वाले परमेश्वर आप हैं, हमें हर एक परीक्षाओं से बचाने वाले परमेश्वर आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज हमें हर एक मसीह भाई बहन की देख रेख कर पिता परमेश्वर, उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर, उनको अशुद्ध कर पिता परमेश्वर, उनको शुद्ध कर पिता परमेश्वर। जो अशुद्ध है पिता परमेश्वर, उनको शुद्ध कर पिता परमेश्वर, उनको निर्दोष ठहरा पिता परमेश्वर। जिनके ऊपर कलंक लग चुका है पिता परमेश्वर, उनको
निर्दोष कर पिता पर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी लहू की संतान है पिता परमेश्वर, वो आपकी हाथों की रचना है पिता परमेश्वर, वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला यहोवा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसीलिए तुझे कभी किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना होगी, चाहे पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लेकर के किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी स्थान में है पिता परमेश्वर कहते हैं, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, कहीं भी आप इकट्ठा हो, कहीं भी आप प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा। उसके स्वर्गदूत आकर के आपकी रक्षा और सुरक्षा करेंगे, आपकी देख रेख करेंगे, आपको आशीष देंगे, आपको ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपने निमित्त, परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने निमित्त आज्ञा दूंगा कि कहां जहां कहीं भी तू हो, किसी भी स्थान में, किसी भी राज्य में, चाहे उत्तर में हो, पूरब में हो, पश्चिम में, दक्षिण में, कहीं भी हो, आपके परमेश्वर के स्वर्गदूत जाएंगे, आपको आशीष देंगे, आपको हर एक जरूरतों की पूरा करेंगे, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, वो जिंदा खुदा हमारे पास है। इसीलिए विश्वास करिए, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके हर एक घरों में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, ब्लेस करने जा रहा है पिता परमेश्वर। जिनके घर में पिता परमेश्वर बहुत सारी तकलीफें आ चुकी हैं, और जो भाई और बहनों का कमेंट आता कि हमारी बेटी शादी के लिए हो गई है, उसके शादी के लिए एक अच्छा लड़का चाहिए, एक अच्छी हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर हमारी मदद करे, आज परमेश्वर उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता, एक अच्छा पिता वर दे पिता परमेश्वर, उस लड़की के लिए पिता, उस लड़के के लिए पिता, हम दुआ करते हैं उनकी हर जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, उनके एक अच्छा लड़का दे पिता परमेश्वर, एक अच्छी लड़की दे पिता परमेश्वर, हम यही दुआ करते हैं और ब्लेस कर आशीष के द्वारा उनको ब्लेस कर पिता, उनको आशीष कर मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। और जो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं पिता, इस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता उनके परिवार में इतनी अशांति दे पिता परमेश्वर, इतना चैन दे पिता परमेश्वर कि आपकी विनती और प्रार्थना को चैन से सुन सके पिता, अपने घर में बैठ करके खुशियां मनाए पिता परमेश्वर, और आपका धन्यवाद करें, आपको तालियों के साथ स्वागत करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आप उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर यहोवा हैं। इसीलिए पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी स्तुति है, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आज उनको पवित्र आत्मा के द्वारा उनको इतनी ताकत दीजिए, इतनी ज्ञान दीजिए, इतनी सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर कि आपको प्रार्थना में पुकार सके पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना कर सके, विनती करे कि वो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, किसी भी कारण पिता परमेश्वर दुख और तकलीफ में है पिता परमेश्वर, तो उनकी देख रेख कर पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा कर पिता, उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर, उनको यीशु आशीष दे पिता परमेश्वर, विश्वास रखिए कि यीशु आपको ब्लेस करने आया है, आशीष देने आया है आपकी हर एक घटी और कमी के, कि हम सर परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, और परमेश्वर हमारा ज्योति है, हम ज्योति की संतान हैं। इसीलिए विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपको किसी भी हालात में नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए आपको हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हम महिमा हो धन्यवाद करना है परमेश्वर। आज आपको परमेश्वर को आप धन्यवाद करिए, उसके हर एक जीवन को लेकर के, हर एक मसीह भाई पर अपने जीवन को लेकर के, और अपने यारों दोस्तों के लिए जिसके लिए प्रार्थना करना चाहते उसके जीवन को लेकर के दुआ करिए, प्रार्थना करिए, विनती करिए। इस समय परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा, आशीष देगा। अगर आपके जीवन किसी प्रकार की कोई घटी और कमी है, कोई चीज़ आप पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को लेकर के प्रार्थना करिए और कहिए, पिता परमेश्वर मैं धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने मुझे चुना, पिता परमेश्वर आपने मुझे चुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत लोग हैं पिता परमेश्वर, और बहुत लोग हैं पिता जो बीमार पड़े हैं, उनकी हर एक बीमारी को ठीक कर पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी हो पिता परमेश्वर, जिस भाई को जिस बहन को पिता परमेश्वर मिर्गी आती है, इस मसीह के नाम से जाए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर। जिस मसीह भाई को बुखार यानी फीवर पिता परमेश्वर नहीं उतरता है और हमेशा बना रहता है, इस मसीह के नाम से उसके पैरों को, उसके हाथों को, उसके सिर को, उसे हर एक बीमार अंगों को पिता परमेश्वर उसको आशीष से उसको ब्लेस कर, और हर एक बीमार अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हम आशीष देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, उसके जीवन के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उसको ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दे पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की हर एक घटनाओं को लेकर के, दुआ को लेकर के प्रार्थना करते हैं पिता,
परमेश्वर, और जिन मसीह भाई बहनों को मासूर पिता परमेश्वर हो चुका है, उनके पिता परमेश्वर दांतों में प्रॉब्लम आ चुकी है, ग्रंथि पे पिता परमेश्वर, बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि हम बहुत ज्यादा मोटे हैं पिता परमेश्वर, हम मोटे के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, उसके बॉडी को एक संतुलित कर पिता परमेश्वर, उसको एक अच्छा पिता परमेश्वर फिटनेस यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, उसकी हर घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर यहोवा आप हैं। और बहुत मसीह भाई बहनों का आता है कि हम प्रार्थना करते करते हमको चक्कर आ जाता है, हम दुआ करते हैं प्रार्थना उनको इतनी सामर्थ्य, इतना स्ट्रॉन्ग कर, इतना मजबूत कर मेरे खुदावन, आज उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर, उसको इतनी ताकत दे, हेल्थ इतना अच्छा कर पिता परमेश्वर की आपकी प्रार्थना में वो आपको पुकार सके पिता परमेश्वर। बहुत सारे मसीह भाई बहनों को प्रॉब्लम आ चुके पिता परमेश्वर, और जिनकी ज्यादा पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से पैरालाइज है पिता परमेश्वर। एक भाई का कमेंट आया था, उसने कहा मेरे पिता को पिता परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि मेरे पिता जो हैं उनके पैरालाइज हो गया पिता, लगभग की शिकायत यीशु मसीह के नाम से जाए पिता परमेश्वर। मैं हर एक घटी और कमी के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ परमेश्वर, आपको हर कामों में ब्लेस देने जा रहे हैं, हर कामों में आपको आशीष देने जा रहे हैं, विश्वास करिए सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ ब्लेस करने जा रहा है, आशीष देने जा रहा है, आपको हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है, आप जिंदा जीवित यहोवा के बेटे और बेटियां हैं। याद रखना कि हमारा जिंदा खुदा है, उसने तीन दिन में अपने मृतकों में से जी उठा है, उसके ऊपर विश्वास और भरोसा रखो कि उस समय वो स्वर्ग में है अपने पिता के पास। यीशु मसीह ने कहा है कि जब मुझसे तुम प्रार्थना करोगे विनती करोगे तो मैं हर एक आपके दुखों और तकलीफों और मुसीबतों को देख करके आपको आशीष दूंगा, आपको ज्ञान दूंगा, बुद्धि और समझ देने वाला परमेश्वर आज आपके साथ आया है, आज आपको ब्लेस करने वाला है यीशु, आज आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर आज आपके साथ खड़ा है। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, आज हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर कि मैं तुम पर करुणा करूंगा, तुम पे आशीष दूंगा, तुम्हें ज्ञान दूंगा, बुद्धि दूंगा, समझ दूंगा, क्योंकि यहोवा हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर यहोवा है। इसलिए हम विश्वास करना है उसके वचनों के द्वारा, उसके वचन के द्वारा हमें प्रार्थना करना है, विनती करना है, वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर यहोवा है, उससे हम विनती और दुआ और प्रार्थना करते हैं पिता, हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, हम चाहे किसी भी राज्य में किसी भी दिशा में हो पिता परमेश्वर, हमें आशीष दे पिता परमेश्वर, में ही दुआ करते हैं पिता, आज उनके बेटे और बेटियों को आशीष कर, उनके घर में पैसे नहीं पिता उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, उनको आशीष देने वाले परमेश्वर आप आए हैं, इसलिए पिता हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, वो आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर, अपने घर में, अपने लाइफ में, अपने जीवन में पिता परमेश्वर, यीशु मसीह आपको बुलाना बुलाते हैं पिता, आप उनके लाइफ में जाइए, उनके जीवन को बदल दीजिए पिता परमेश्वर, उनको आशीष देने आए हैं पिता परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। यीशु मसीह कहते हैं पिता परमेश्वर, ना तुझे कभी भूखा मरने देगा, ना कभी तुझे प्यासा मरने देगा, ना किसी संकट में तुझे यहोवा तेरी हर एक दुहाई को सुनेगा, हर एक प्रार्थना को सुनने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, हर एक मार्ग तेरे को नया करके देने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है। इसलिए कि यहोवा की जो करुणा है वो सदा की है, उससे विनती और प्रार्थना करो, धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन्द यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, उसको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी वो संतान है पिता परमेश्वर, उसके जीवन में हर जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो अनंत काल जीवन देने वाले परमेश्वर यहोवा हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन्द, आज उनके हर कामों में पिता परमेश्वर आशीष देने आए पिता परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की बीमारी जाए, हर एक प्रकार की संकट जाए, हर प्रकार के दुख जाए, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं खुदावन्द यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं पिता, आज उनके हर जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, आपने ऐसा किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन। पिता आज आपको हर कामों में आशीष देंगे, ब्लेस करेंगे, आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। और जो मसीह भाई बहन अपने कमेंट को भेजना चाहते हैं, कमेंट के द्वारा अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, जरूर भेजिएगा, और आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट फॉर्म मिल जाएगा, आप और जहाँ जाकर वहाँ जा करके आप हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपको हर एक घटी और कमी से पूरा करने वाला परमेश्वर है। इस प्रार्थना को आपने विश्वास के द्वारा आपने ग्रहण किया है, परमेश्वर आज
आज आपके जीवन को बदल देंगे, आपको आशीष देंगे। इसीलिए परिषद के वचन में बने रहें, ये वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुँचाएगी परिषद के वचन में, जो सीख सके और बढ़ सके। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू।